फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रूपा और आज मैं बनाऊंगी परवल एक करी। एक करी तो बहुत सारे तरीके से बनते हैं, लेकिन बंगाल में लोग सब्जी के साथ सब कुछ खाते हैं। एग हो या फिर फिश हो, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं और बहुत ही झटपट से बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनकर रेडी हो जाते हैं। और गर्मी के टाइम में जितना कम टाइम में रेसिपी रेडी हो जाए ना, उतना ही अच्छा है। तो आज मैं बनाऊंगी परवल एक करी एकदम बंगाली स्टाइल। लेट्स बिगिन। परवल एक करी बनाने के लिए मैंने लिया है परवल, उसके साथ साथ पटेटो को ऐसे क्यूब्स में कट कर लिया है, दो बॉइल्ड एग, और हमें चाहिए 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर एंड ग्रीन चिली पेस्ट, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हल्दी, 1/2 टीस्पून सॉल्ट स्वाद अनुसार, सूखे मसाले के अंदर हमें चाहिए 1 बे लीफ्स, 1 रेड चिली, 1/2 टीस्पून जीरा, और ये पूरा का पूरा कुकिंग होंगे मस्टर्ड ऑयल से। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में परवल को कट कर लेना पड़ेगा। तो इसको मैंने धो के रखी थी, अब इसको एक पीलर की मदद से ऐसे, लेकिन पूरा का पूरा नहीं, ऐसे देख लीजिए, एक स्टेप मैंने छोड़ दिया है। ऐसे कट कर लेना है, देख लीजिए, ऐसे पील कर लीजिए। और इसको भी ऐसे सामने से और पीछे से हटा दीजिए और अंदर से एक कट लगा लीजिए। तो ऐसे मैं सारे के सारे परवल को कट कर लेती हूँ। परवल एक करी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, अभी डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल 1 टेबल स्पून। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो अभी ऐड कर देंगे पोटैटो फ्राई होने के लिए और ढक्कन लगा देंगे 2 मिनट के लिए। पोटैटो हमारा फ्राई हो गए हैं तो अभी ऐड कर देंगे परवल को, सेम प्रोसेस में फ्राई कर लेंगे। ऐसे मिला दीजिए। अभी ऐड कर देंगे नमक एंड हल्दी पाउडर, मिला दीजिए थोड़ा सा। ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। देख लीजिए परवल हमारा फ्राई हो गए थे, तभी ऐड कर देंगे रेड चिली, बे लीफ्स, साथ ही साथ जीरा थोड़ा सा मिला देंगे। ऐड कर देंगे गार्लिक पे, मिला देंगे। ऐड कर देंगे जिंजर एंड ग्रीन चिली पेस्ट, मिला देंगे। और सारे चीज़ों को एक साथ ढक के 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में पका लेंगे। देख लीजिए सारे मसाले एक साथ पक गए हैं, तो अभी ऐड कर देंगे टमाटर, इसको भी मिला देंगे। और ढक के 2 मिनट के लिए पका लेंगे। देख लीजिए इस टाइम में ऐड कर देंगे 2 अंडा और साथ ही साथ फ्राई कर लेंगे। देख लीजिए सारे चीज़ एक साथ फ्राई हो गए हैं, तो अभी ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर एंड रेड चिली पाउडर, इसके साथ ही साथ जीरा पाउडर एंड धनिया पाउडर, मिला देंगे सारी चीजों को एक साथ। ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून पानी मसाला को एक साथ पकने के लिए, ऐसे ऐड कर दीजिए।
के लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए पका लीजिए। देख लीजिए सब्जी हमारा पूरा कपड़ा पक के रेडी है, तो अभी इसमें ऐड करेंगे पानी। आपको कितना गाढ़ा कंसिस्टेंसी में चाहिए उस हिसाब से पानी दे दीजिए। मैं थोड़ा सा ही दे रही हूँ और ढक्कन लगा के हाई फ्लेम में 5 मिनट के लिए पका लीजिए। देख लीजिए मेरा परवल एक करी अभी रेडी हो गया है, तभी इसके अंदर ऐड कर दूंगी कसूरी मेथी। इससे ना कोई भी ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू आ जाते हैं। मेरा परवल एक करी अभी रेडी है, तो चलिए इसको सर्व कर देते हैं। देख लीजिए मेरा परवल एक करी अभी रेडी एंड सर्व। कैसा लगा मेरा ये रेसिपी? अगर अच्छा लगे ना तो मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर।